आरटीओ प्रशासन ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। साथ ही लोगों को सही तरह से नियमों का पालन कराने के लिए विभाग 14 लोगों की टीम काम कर रही है। विभाग की टीम शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। टीमों ने अभियान के पहले दिन 200 से अधिक वाहनों पर चालानी कार्रवाई की, जिसमें स्कूल की बसों के अलावा नाबालिग वाहन चालकों पर भी शिकंजा कसा है। इस दौरान करीब 132 दोपहिया वाहन चालकों के अब चालान काटे गए हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। दो दिन का स्पेशल अभियान लगाया था। पहले दिन 14 टीमें लगी थी हमारी, जिसमें 200 से ऊपर चलान हुए थे और 45 गाड़ियां जो हैं इसमें बंद की गई थी। और 45 गाड़ियों में जो भी, जैसे ऑटो है, अगर वो एक्स्ट्रा सीट लगाई हुई है तो हमने उसकी फिटनेस कैंसिल करवाई है। जो भी गाड़ी छुड़वाने आ रहे हैं उनकी फिटनेस कैंसिल होगी, सीटें हटाई जाएंगी और दोबारा से फिटनेस करवाई जाएगी उसकी। दूसरा, कल जो हमारा स्पेशल अभियान था उसमें स्कूल बसेस और स्कूल के बच्चे जो बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस के या अंडर एज ड्राइविंग में अगर वो गाड़ी चला रहे हैं तो उन पे कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था, जिसमें हमारे 132 जो हैं टू व्हीलर बिना हेलमेट वाले इसमें चलान किए गए थे। और एक साथ हमारे टीमों ने 14 स्कूल्स को टारगेट किया था, एक एक जगह रह के, और उसमें ये अभियान हमारा आगे भी जारी रहेगा।